आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। कुछ अनकही। कोयलांचल की फिजा में आज भी लोग याद करते हैं कृष्ण सुदामा की जोड़ी, सूर्यदेव की बोली और रघुनाथ की गोली। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत के मजबूत निर्माण का आधार जर्मन तकनीक से निर्मित थर्मेक्स क्यूएसटी बार अल्ट्रा शक्ति टीएमटी सरिया, मजबूती जो खुद से बोले। हमारे संवाददाता मनोज मिश्र प्रकाश डाल रहे हैं उन अनकही घटनाओं पर जो कोयलांचल की फिजा में तैर रही है। कोल नगरी धनबाद की फिजाओं में आज भी कृष्ण सुदामा की जोड़ी को याद कर लोग रोमांचित हो जाते हैं। यहां के बाशिंदे सूर्यदेव सिंह और रघुनाथ की कृष्ण सुदामा की जोड़ी की मिसालें देते हैं। सूर्यदेव की बोली और रघुनाथ की गोली से दहलता था कोयलांचल। कृष्ण सुदामा की इसी जोड़ी ने सिंह मेंशन की नींव रखी और इसे बुलंदी दी। कोयलांचल में रघुनाथ जैसा शूटर दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि रघुनाथ ने शूट का शतक पूरा किया था। रघुनाथ शराब के शौकीन थे और सिर फिरे भी। सिर फिरे इतने कि कई बार सूर्यदेव सिंह को लगा कि कहीं रघुनाथ उन्हें ही गोली ना मार दे। इसी कड़ी में एक बार सूर्यदेव सिंह रघुनाथ के साथ कार से कहीं जा रहे थे। किसी बात पर सूर्यदेव सिंह ने रघुनाथ की बात काट दी। इस पर रघुनाथ खफा हो गए। कार चल रही थी, सूर्यदेव की नजर कार के बैक व्यू मिरर पर पड़ी। उन्होंने रघुनाथ के चेहरे पर आते जाते भाव को पढ़ा। कार रुकवा कर नीचे उतर गए। रघुनाथ सिंह अकेले ही गए। कृष्ण सूर्यदेव सिंह के सुदामा मित्र रघुनाथ को मौत कहा जाता था। रघुनाथ की कार का नंबर भी 302 हुआ करता था। एक मारुति वैन और एक एम्बेसडर कार, दोनों का नंबर 302। कहा जाता है कि सूर्यदेव की मौत के बाद जब मणिन्द्र मंडल हत्याकांड में सिंह मेंशन का नाम आया, तब दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने सिंह मेंशन की नींव हिलाने का ऐलान कर दिया। ये सब सुनकर रघुनाथ सिंह अपनी मारुति वैन 302 से शिबू सोरेन के निवास पहुंचे और बोले, यदि सिंह मेंशन पर एक पत्थर भी गिरा तो तुम रहोगे या मैं। शिबू सोरेन ने इसके बाद सिंह मेंशन के खिलाफ चुप्पी साध ली। सूर्यदेव सिंह के साथ कोल व्यवसाय में उभर रहे झरिया के बच्चन सिंह की मौत आज भी झरिया की फिजा में ताजा है। कहा जाता है कि बच्चन सिंह के घर पहुंचकर रघुनाथ ने गोली मारी थी। यूपी के बलिया जिले के बसंतपुर के निवासी रघुनाथ सिंह पहलवान के साथ शार्प शूटर भी थे। रघुनाथ ने शादी नहीं की थी। दोनों हाथों से एक साथ पिस्टल चलाने में माहिर डॉन ब्रजेश सिंह समेत कई शूटर ने कभी रघुनाथ के आगे बोलने की हिमाकत नहीं की। सूर्यदेव सिंह की बादशाहत में बड़ा योगदान रघुनाथ सिंह का था। सूर्यदेव सिंह के भाई रामाधीर राज नारायण बच्चा सिंह में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वे रघुनाथ को कुछ बोल सके। 70 से 80 के दशक में रघुनाथ सिंह की गोली से ही सभी बाहुबलियों की हत्या हुई, चाहे वे बीपी सिन्हा रहे हों या फिर कोई और। तभी तो रघुनाथ को सूर्यदेव सिंह की परछाई कहा जाता था। सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद राजीव रंजन और सिंह मेंशन की ढाल रघुनाथ सिंह बने रहे। इसी बीच बच्चा सिंह जब झरिया से चुनाव लड़ रहे थे तो मदद के लिए पहुंचे रघुनाथ सिंह को अपमानित करके उन्हें वापस कर दिया। बच्चा की बात रघुनाथ को तीर की तरह लगी और वो सिंह मेंशन और धनबाद छोड़कर बोकारो धूमल सिंह के पास चले गए। वहीं उनकी मौत हो गई। सूर्यदेव सिंह की विरासत को संभालने वाले उनके बेटे राजीव रंजन सिंह ने पिता से सारे गुर सीखे थे, लेकिन अभिमन्यु की तरह सातवां दरवाजा तोड़ना नहीं सीख पाए और उनका शिकार कर लिया गया। छल कपट ईर्ष्या द्वेष ही सातवां दरवाजा है जो अनुभव से ही टूटता है। युवा खून राजीव रंजन अपने ही बीच बैठे शकुनियों को भांप नहीं पाया। नतीजा राजीव रंजन सिंह धोखे से कोलकाता में मारा गया और उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर गंगा सागर में बहा दिया गया। सिंह मेंशन के करीबी रहे लोगों की माने तो सूर्यदेव बाहुबली के साथ साथ जनप्रिय भी थे। उनकी छवि रॉबिन हुड वाली थी। सूर्यदेव से मदद की उम्मीद लेकर जो भी पहुंचता उसका काम होता था।
सूर्यदेव सिंह कभी किसी से नहीं पूछते थे कि तुम कौन धर्म, जाति और वंश से हो, धन है या नहीं। सबकी मदद करते, लोगों को बसाते, किसी से पैसा नहीं ऐंठते थे। सूर्यदेव की बदौलत ही कोल नगरी में लाल झंडे का आतंक समाप्त हुआ। कोयलांचल में एक कहानी आज भी प्रचलित है। कहानी एक बंगाली बैनर्जी परिवार की है। हुआ यूं कि 80 के दशक में वासेपुर के लोगों ने बैनर्जी परिवार की बेटी को उठा लिया। बैनर्जी परिवार दहशत में था। पुलिस के पास जाने के बजाय सूर्यदेव सिंह के सिंह मेंशन पहुंच गए फरियादी। सूर्यदेव निकल पड़े बैनर्जी परिवार की बेटी को बचाने। रघुनाथ सिंह की पिस्तौल से हवाई फायरिंग की। आवाज सुनते ही वासेपुर थर्रा गया। सूर्यदेव सिंह की बुलंद आवाज निकली, 24 घंटे में बेटी वापस नहीं की तो वासेपुर खबरिस्तान बन जाएगा। और महज 12 घंटे के भीतर बैनर्जी परिवार की बेटी सकुशल वापस अपने घर पहुंच गई। उसे अगवा कर आसनसोल में रखा गया था। आज सिंह मेंशन हो या रघुकुल, दोनों जनप्रिय नहीं बल्कि धनप्रिय बन गए हैं। सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद धन उगाही को लेकर जालान का अपहरण इस कड़ी का पहला मूक गवाह है। चर्चित जालान अपहरण कांड में भले ही गुड्डू शुक्ला का नाम आया हो, पर इसे भी पैसे के लिए सिंह मेंशन ने ही अंजाम दिया था। सूर्यदेव के सिंह मेंशन पर आखिर किसकी नजर लग गई? दूसरी पीढ़ी लगातार अकाल मौत की शिकार हो रही है। परिवार की दूसरी पीढ़ी में 9 बेटे हैं, लेकिन पिछले 14 सालों में इनमें से 3 की अकाल मौत हो चुकी है। इसमें सूर्यदेव और राजन के पुत्र शामिल हैं। तीनों की मृत्यु 35 वर्ष से कम आयु में हत्या या सड़क हादसे में हुई है। सबसे पहले साल 2003 में परिवार ने झरिया विधायक संजीव सिंह के बड़े भाई राजीव रंजन को खोया था। 2010 में राजन सिंह के मझले बेटे और नीरज के छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। 21 मार्च 2017 को परिवार ने अपना तीसरा बेटा खो दिया। नीरज की हत्या का आरोप उनके ही चचेरे भाई छरिया विधायक संजीव सिंह पर है। सिंह मेंशन गैंगवार की आंच में भी झुलसता रहा है। कभी मजदूर नेता बीपी सिन्हा की हत्या तो कभी एसके राय और एसपी राय के साथ भिड़ंत। दो सगे भाइयों सकल देव सिंह और विनोद सिंह की दिन दहाड़े हत्या को लेकर सिंह मेंशन विवादों में रहा है। कोयला व्यवसायी संजय सिंह, प्रमोद सिंह, राजद नेता राजू यादव, कोल किंग सुरेश सिंह और अब नीरज सिंह की हत्या का दंश भी सिंह मेंशन झेल रहा है। प्रतिद्वंदियों का सफाया करने के आरोपों से घिरा सिंह मेंशन आज अपने ही परिवार के नीरज सिंह की हत्या के भंवर में फंस गया है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए आजाद सिपाही से। धन्यवाद।